नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी की तपिश बढ़ गई है। अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी का प्रकोप तेजी से दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मई जैसी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। शहर में तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं सरहद पर रेतीले धोरों में ये 44 डिग्री तक पहुंचने लग गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में हीट वेव चलने से तापमानी पारा छलांग लगा सकता है, इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लेकिन इस चिलचिलाती धूप के बावजूद सरहद पर सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और गर्मी की चुनौतियों से निपटने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। बीएसएफ के जैसलमेर में कमांडेंट जेएस संधू ने बताया कि जवानों को गर्मी से बचाने के लिए माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। जवानों के लिए वाटर कूलर, खाने में नींबू और प्याज और ड्यूटी के दौरान गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त ड्रेस तथा छांव की व्यवस्था की जा रही है। जैसलमेर के डेजर्ट में गर्मी को लेकर चुनौतियां सीमा सुरक्षा बल के लिए शुरू हो गई हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से तैनात हैं। अभी जो तापमान है वो करीब करीब बॉर्डर के ऊपर में 42-43 डिग्री पहुँच चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये करीब करीब 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा, जिसके लिए हमने जवानों को तैयारी जवानों के लिए कर दी गई है। सीमा पर इनके खाने पीने के अलावा इनको जो पेट्रोलिंग के दौरान प्रिकॉशंस हैं वो भी ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। खाने में हम खास तौर पे ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जिनमें लू से बचा जा सके और शरीर के ऊपर ढकने के लिए कपड़े और जो शेल्टर हैं बॉर्डर के ऊपर में उनको अच्छी तरह से हम चौकस कर देते हैं। गर्मी के मौसम में खास परेशानी है जो लू लगती है, इससे हमारे जवानों के मनोबल पे बहुत फर्क पड़ता है और ये इनके शरीर के ऊपर में बड़े एडवर्स इफेक्ट डालती है। इस लू से बचने के लिए हमने अपने जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको बार बार बॉर्डर पर भेज के जवानों को सेंसिटाइज किया है और इनके खाने पीने को लेकर हमने खास तौर पे अरेंजमेंट्स किए हैं। जवानों को हीट वेव से बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवा का भी इंतजाम किया गया है। हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं सीमा पर जवानों के लिए प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से पीने के पानी का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही रेगिस्तान में दूर दूर बसी छोटी छोटी आबादियों में पानी परिवहन का प्रबंधन भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।